जनपद जलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया हेल्प डेस्क सेंटर विधायक गौरी शंकर वर्मा और मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अल्पना बरतारिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण कर प्राकृतिक संरक्षण का संदेश दिया। जलान से राजकुमार गौरी की रिपोर्ट। कानपुर के लिए उस ALS से तुरंत उसको मरीज को भेजा जाता है और ये सब काम निःशुल्क होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं वो आते नहीं है, पैसे मांगते हैं। कोई ड्राइवर पैसा नहीं मांगेगा, कोई कर्मचारी पैसा नहीं मांगेगा। अब तो इसमें एक अटेंडेंट भी रखा गया है कि वो अटेंडेंट को सब ट्रेनिंग होती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है उसके गाड़ी में सब सामान रहता है, उस सामान के माध्यम से वो आपको इंजेक्शन लगाएगा, आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट देगा, ये काम उस ट्रेनिंग का रहता है। एम्बुलेंस के माध्यम से इस जनपद जालौन में इस समय 158,867 लोगों को लाभ 102 एम्बुलेंस पहुंचा चुकी है। इसी तरह ALS चार गाड़ियां हमेशा मुख्यालय पर खड़ी रहती हैं, चाहे वो जालौन हो, चाहे उरई हो, चाहे कोंच हो, चाहे कालपी हो, इस तरह खड़ी रहती हैं कि कोई इमरजेंसी आ जाए, मरीज को रेफर करना पड़ा और रेफर के बाद उसके पास साधन नहीं है तो इस एम्बुलेंस के माध्यम से उसको झांसी या कानपुर तक इसको भेजने का काम ये एम्बुलेंस करती है। तो सरकार चाहती है कि इसका लाभ जनता तक कैसे और हो, जनता तक इसका प्रचार।